इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा मैच पहला मैच टाई हुआ था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में लोग हैरान हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा कूल मूड में रहते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं रिजल्ट से इतना परेशान नहीं हूँ, और दूसरे मैच में रोहित शर्मा कूल मूड में से नजर आए जैसे कि वे अधिकतर मैचेस में होते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कप्तान रोहित शर्मा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़ गए। पहले टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम ने सादी सी शुरुआत की थी। 32 ओवर में टीम ने 4 खोकर 135 रन बना लिए थे। 33वें ओवर करने आए स्पिनर इंडियन स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर पहली गेंद करने से पहले सुंदर अपना रन अप मिस कर गए। इसके बाद गेंद करवाई डॉट हुई। दूसरी गेंद कराने से पहले सुंदर ने 2 बार अपना रन अप भी करवा दिया। पहले 2 बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने 3री बार रन अप मिस किया तो कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से रिएक्शन आया। सुंदर ने जब 3रा रन अप मिस किया तो स्लिप पर खड़े रोहित शर्मा उनकी तरफ दौड़ते हुए नजर आए। रोहित मुक्का मारते हुए सुंदर की तरफ दौड़ते हुए, रोहित शर्मा का असल में मुक्का मारने का कोई इरादा नहीं था, ये सब मजाक के अंदाज में किया गया था। तभी वे सुंदर के पास तक भी नहीं आए। सुंदर भी रोहित शर्मा के रिएक्शन पर खूब हंसते हुए नजर आए। इसके बाद सुंदर ने अपना ओवर पूरा किया। 33वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। सुंदर ने मैच में शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 10वें ओवर में स्लिप में 30 रन देकर 3 विकेट लिए, 1 मेडन भी डाला। सुंदर ने श्रीलंका के 3 सेट बैटर्स को भी आउट किया। मैच से पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम ने 40 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। अभिषेक 40, कुशल मंडस 3 और असलंगा भारत के लिए सुंदर के 3 विकेट के साथ सिराज, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। बता दें सीरीज का पहला वनडे मैच टाई हुआ था। श्रीलंका ने 230 रन बनाए थे, वहीं इंडियन टीम ने भी 230 रन पर ऑल आउट हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि इंडिया वर्सेज श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज का फर्स्ट डे था वह टाई हुआ, और जो दूसरा दिन था उसमें श्रीलंका की टीम जीत गई। अब आपको क्या लगता है कि तीसरा दिन इंडिया वर्सेज श्रीलंका के ओडीआई मैच का कैसा होगा, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन चलेगा, क्योंकि विराट कोहली मस्त खेल रहे, रोहित शर्मा भी मस्त खेल रहे, हालांकि रोहित शर्मा बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे। रोहित शर्मा ने आज तक कभी बॉलिंग नहीं की थी। रोहित शर्मा ने 2023 में बॉलिंग की थी, लेकिन रोहित शर्मा 2024 इंडिया वर्सेज श्रीलंका ओडीआई मैच में बॉलिंग करते हुए नजर आए। आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। इंडिया वर्सेज श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा मैच पहला मैच टाई हुआ था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में लोग हैरान हैं, क्योंकि रोहित शर्मा हमेशा कूल मूड में रहते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि मैं रिजल्ट से इतना परेशान नहीं हूं, और दूसरे मैच में रोहित शर्मा कूल मूड में से नजर आए जैसे कि वे अधिकतर मैचेस में होते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कप्तान रोहित शर्मा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़ गए। पहले टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम ने सादी सी शुरुआत की थी। 32 ओवर में टीम ने 4 विकेट खोकर 135 रन बना लिए थे। 33वें ओवर करने आए स्पिनर इंडियन स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर पहली गेंद करने से पहले सुंदर अपना रन अप मिस कर गए। इसके बाद गेंद करवाई डॉट हुई। दूसरी गेंद कराने से पहले सुंदर ने 2 बार अपना रन अप भी करवा दिया। पहले 2 बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने 3री बार रन अप मिस किया तो कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से रिएक्शन आया। सुंदर ने जब 3रा रन अप मिस किया तो स्लिप पर खड़े रोहित शर्मा उनकी तरफ दौड़ते हुए नजर आए। रोहित मुक्का मारते हुए सुंदर की तरफ दौड़ते हुए, रोहित शर्मा का असल में मुक्का मारने का कोई इरादा नहीं था, ये सब मजाक के अंदाज में किया गया था। तभी वे सुंदर के पास तक भी नहीं आए। सुंदर भी रोहित शर्मा के रिएक्शन पर खूब हंसते हुए नजर आए। इसके बाद सुंदर ने अपना ओवर पूरा किया। 33वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। सुंदर ने मैच में शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 10वें ओवर में स्लिप में 30 रन देकर 3 विकेट लिए, 1 मेडन भी डाला। सुंदर ने श्रीलंका के 3 सेट बैटर्स को भी आउट किया। मैच से पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका की टीम ने 40 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। अभिषेक 40, कुशल मंडस 3 और असलंगा भारत के लिए सुंदर के 3 विकेट के साथ सिराज, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। बता दें सीरीज का पहला वनडे मैच टाई हुआ था। श्रीलंका ने 230 रन बनाए थे, वहीं इंडियन टीम ने भी 230 रन पर ऑल आउट हुई थी। वहीं आपको बताते चले कि इंडिया वर्सेज श्रीलंका की जो ओडीआई सीरीज का फर्स्ट डे था वह टाई हुआ, और जो दूसरा दिन था उसमें श्रीलंका की टीम जीत गई। अब आपको क्या लगता है कि तीसरा दिन इंडिया वर्सेज श्रीलंका के ओडीआई मैच का कैसा होगा, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन चलेगा, क्योंकि विराट कोहली मस्त खेल रहे, रोहित शर्मा भी मस्त खेल रहे, हालांकि रोहित शर्मा बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे। रोहित शर्मा ने आज तक कभी बॉलिंग नहीं की थी। रोहित शर्मा ने 2023 में बॉलिंग की थी, लेकिन रोहित शर्मा 2024 इंडिया वर्सेज श्रीलंका ओडीआई मैच में बॉलिंग करते हुए नजर आए। आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।